हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज करंट अफेयर की पहली क्लास दोस्तों आपके सामने है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पुलिस एग्जाम के दोस्तों एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह दोस्तों पटवारी के भी आ जाएंगे, फिर फॉरेस्ट गार्ड भी। दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास दोस्तों ये आपकी होने जा रही है। बिल्कुल दोस्तों, एक एक प्रश्न चुन चुन कर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों यहां पर हम देखेंगे। अभी सभी के सभी प्रश्न दोस्तों इंपोर्टेंट और सेलेक्टिव मैंने यहां पर लिए हैं। जबरदस्त प्रश्न है और प्रश्न आने की दोस्तों प्रबल संभावना है। अगर दोस्तों अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तब दोस्तों आपका रिविजन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने पहले नहीं पढ़ा है, इनको दोस्तों जो मैं यहां पर आपको बताऊंगा अभी, वो दोस्तों आपको अपनी कॉपी में जोर से लिखना है। मैं भी दोस्तों लिख रहा हूं और आपको भी लिखना है। दोस्तों, मैं सिर्फ यहाँ पर उत्तर लिखूंगा, प्रश्न नहीं लिखूंगा, क्योंकि दोस्तों प्रश्न आपको लिखना है। मैं यहाँ पर आपको प्रश्न बताऊंगा, वरना दोस्तों फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। 50 प्रश्न है दोस्तों। ये हमारी करंट अफेयर की पहली क्लास है। अगर आपको पसंद आती है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से दोस्तों और भी क्लास आपको मिलती रहेंगे। दोस्तों, आज देखते हैं कि आपको पसंद आती है या नहीं, जो दोस्तों आपका रिस्पॉन्स रहता है। मैंने दोस्तों बिल्कुल अपनी तरफ से जबरदस्त प्रश्न लिए हैं। बाकी आपने पहले पढ़ा है तो आपका रिविजन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने पहले नहीं पढ़ा है, जो दोस्तों मैं यहां पर आपको बता रहा हूं वो आपको बिल्कुल लिख लेना है एक एक लाइन। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, बिल्कुल दोस्तों की पॉइंट मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इधर उधर का फालतू कुछ नहीं, आपको दोस्तों पेपर निकालने से मतलब है बस। तो सबसे पहले दोस्तों, किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 जीता? तो दोस्तों थॉमस कप का संबंध किससे है, थॉमस कप का संबंध दोस्तों किससे है, तो यह है बैडमिंटन से, तो यह आपको याद रखना है। और दोस्तों किसने ये जीता 2022 दोस्तों, थॉमस कप 2022 दोस्तों किसने जीता, ये जीता दोस्तों भारत ने। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडोनेशिया को दोस्तों हराकर जीता था, ये आपको याद रखना है। सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न बनेगा। इसके अलावा दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्यों है इस बार, क्योंकि दोस्तों ये 73 साल बाद भारत ने जीता है, इसलिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपेगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 दोस्तों किसे दिया गया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपेगा। दोस्तों ये दिया गया शरद कमल को, शरद कमल बिल्कुल आपको लिखना है। शरद कमल अजंता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, शरद कमल अजंता दोस्तों दिया गया। इनका संबंध दोस्तों किससे है, इनका संबंध दोस्तों है टेबल टेनिस से, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सीधे सीधे आपको याद रखना है इनका संबंध है टेबल टेनिस से। इसका दोस्तों जो पहले नाम था वो था दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब दोस्तों इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो ये आपको याद रखना है। खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में शीतकालीन दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न चुन चुन कर लाया हूं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहां हुए थे दोस्तों, ये आपको सीधे सीधे याद रखना है। दोस्तों ये हुए थे कहां, चीन में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चीन में हुए थे। और पहले स्थान दोस्तों इसमें कौन रहा था, दोस्तों ये रहा था नॉर्वे। पहले स्थान दोस्तों इसमें कौन रहा था, ये रहा दोस्तों नॉर्वे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बनेगा एग्जाम में। और भारत की तरफ से दोस्तों इसमें भाग लिया था आरिफ मोहम्मद खान ने, भारत की तरफ से इसमें भाग लिया था आरिफ खान ने, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा इंडिया ओपन 2022, इंडिया ओपन 2022 पुरुष एकल का किताब दोस्तों ये किसने जीता, ये दोस्तों जीता है लक्ष्य सेन ने, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न छपेगा। लक्ष्य सेन ने दोस्तों जीता है इंडिया ओपन पुरुष एकल फाइनल 2022 का किताब। और लक्ष्य सेन को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है अभी दोस्तों हाल ही में, अर्जुन पुरस्कार भी दोस्तों इनको दिया गया है लक्ष्य सेन को, तो ये आपको सीधे सीधे दोस्तों याद रखना है। अगला दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है, मानव विकास सूचकांक दोस्तों बिल्कुल छपेगा ये प्रश्न एग्जाम में। मानव विकास सूचकांक 2022 में दोस्तों भारत की रैंक क्या है, दोस्तों भारत की रैंक है 132वीं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत की रैंक 132वीं। कौन दोस्तों इसे जारी करता है, दोस्तों इसे जारी करता है UNDP, ये आपको याद रखना है। दोस्तों इसमें कितने स्तर है, 3 है दोस्तों, एक साक्षरता है इसमें, ये आपको याद रखना है, साक्षरता है। इसके अलावा दोस्तों जीवन प्रत्याशा इसमें है, ये भी आपको याद रखना है, जीवन प्रत्याशा। और दोस्तों इसके अलावा है प्रति व्यक्ति आय, तो ये आपको याद रखना है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखेगा। तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया था, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस दोस्तों अभी हाल ही में मनाया गया था दोस्तों, ये कब मनाया गया था, प्रश्न सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है, तो ये मनाया गया था 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे, तो ये थे दोस्तों श्याम शरण नेगी। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे, तो ये थे श्याम शरण नेगी। दोस्तों प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में बन सकता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के थे स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता।
अभी दोस्तों हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व दोस्तों बना है। टाइगर रिजर्व दोस्तों घोषित किया गया है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व दोस्तों ये किया गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व को। रानीपुर टाइगर रिजर्व को दोस्तों ये कहां पर है? दोस्तों ये है यूपी में। रानीपुर टाइगर रिजर्व दोस्तों ये कहां पर है? यूपी में है। दोस्तों कुछ आपको नाम याद रखने, जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निखत जरीन का संबंध किससे है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, निखत जरीन दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ सकता है कि निखत जरीन का संबंध किससे है? दोस्तों ये है बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये कहाँ की है? तेलंगाना की है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है पी आर श्रीजेश का संबंध किससे है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पी आर श्रीजेश का संबंध किससे है? दोस्तों ये हॉकी से इनका संबंध है। हॉकी के दोस्तों ये क्या है? गोलकीपर है। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपको लिखना है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी दोस्तों ये कहां पर है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैडमिंटन अकादमी दोस्तों ये कहां बनी थी? दोस्तों ये बनी थी लखनऊ में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा, वहां पर ऑप्शन होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपको लिखना है 2022 का साहित्य नोबल। 2022 का साहित्य नोबल दोस्तों ये किसे दिया गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2022 का दोस्तों साहित्य नोबल ये दोस्तों दिया गया एनी एनोक्स को। एनी एनोक्स दोस्तों ये कहाँ की है? तो फ्रांस की लेखिका है एनी एनोक्स। इनको दोस्तों 2022 का साहित्य नोबल पुरस्कार दिया गया, फ्रांसीसी लेखिका है। 2022 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों ये किसे दिया गया? ये दोस्तों दिया गया गीतांजलि श्री को। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, गीतांजलि श्री को दोस्तों दिया गया 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये आपको याद रखना है रेत की समाधि के लिए। रेत की समाधि दोस्तों उनका उपन्यास है, ये आपको याद रखना है रेत की समाधि। बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, प्रश्न सीधे सीधे आ सकता है। टॉम ऑफ सैंड। अगला दोस्तों आपको लिखना है राजकोषीय घाटा 2022-23 दोस्तों कितना है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहां पर दोस्तों प्रश्न बनेगा राजकोषीय घाटा दोस्तों 2022-23 मैं दोस्तों ये कितना रहने वाला है? दोस्तों ये है 6.4%। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। अब दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं पद्म विभूषण 2022। पद्म विभूषण दोस्तों बड़ा होता है भूषण से। पद्म विभूषण 2022 दोस्तों किसे किसे दिया गया? सबसे पहले दोस्तों नाम आपको याद रखते हैं डीएस जर्नल बिपिन रावत साहब को दोस्तों दिया गया 2022 का पद्म विभूषण मरणोपरांत, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो अगला नाम है दोस्तों यह कल्याण सिंह को दिया गया। कल्याण सिंह दोस्तों ये यूपी के, इनको दिया गया, ये आपको याद रखना है। अगला नाम दोस्तों जो आपको याद रखना है ये दोस्तों राधे श्याम खेम का। राधे श्याम खेम का दोस्तों इनको दिया गया पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र की है प्रभा अन्ने को दोस्तों ये दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। इनसे दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि इनमें से किसे को पद्म विभूषण 2022 में सम्मानित नहीं किया गया। प्रश्न दोस्तों इस तरह से आ सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपको लिखना है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। दोस्तों बिल्कुल छपेगा, वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दोस्तों ये किसे दिया गया? ये दोस्तों दिया गया डॉक्टर सिंथिया को। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बिल्कुल छपेगा। विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2022 में? डॉक्टर सिंथिया को। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आपको लिखनी है। नीति आयोग के दोस्तों वर्तमान में जो सीईओ है दोस्तों ये कौन है? परमेश्वरन अय्यर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल दोस्तों छपेगा। नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में? दोस्तों ये है परमेश्वरन अय्यर। इसके अलावा दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? ये भी दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। नीति आयोग के दोस्तों वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन के बैरी। तो ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, बिल्कुल दोस्तों छपेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपको लिखना है एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का किताब दोस्तों किसने जीता? ये दोस्तों जीता पंकज आडवाणी ने। दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का किताब किसने? पंकज आडवाणी ने। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपको याद रखना है किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा दोस्तों बन गई है? दोस्तों यह है नागालैंड। नागालैंड का दोस्तों गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1963 में। यह प्रश्न भी दोस्तों पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा 75वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, द पावर ऑफ द डॉग। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, द पावर ऑफ द डॉग दोस्तों बिल्कुल छपेगा एग्जाम में, तो याद रखेगा, वहां पर ऑप्शन होंगे, यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है। अगर आएगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है तब दोस्तों आप बताएंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों कोड़ा, बिल्कुल याद रखेगा, छपेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपको लिखना है एशिया के सबसे बड़े
बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया इंदौर। इंदौर दोस्तों आप सभी को पता है सफाई में नंबर वन रहता है। इंदौर दोस्तों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन दोस्तों चलाया गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यूक्रेन से भारत लाने के लिए। और दोस्तों एक है अफगानिस्तान से भारत लाने के लिए। यूक्रेन से भारत के लिए दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? दोस्तों ये चलाया था ऑपरेशन गंगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल दोस्तों छपेगा एग्जाम में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारत। अगर दोस्तों प्रश्न आता है कि अफगानिस्तान से दोस्तों भारत लाने के लिए, यह है दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑपरेशन देवी शक्ति दोस्तों, बिल्कुल छपेगा इनमें से कोई ना कोई प्रश्न दोस्तों आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है। इसरो ने, इसरो दोस्तों, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को दोस्तों इसरो की स्थापना होती है। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का दोस्तों जो पहला उपग्रह दोस्तों, जो 2022 में दोस्तों इसको किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया? दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल दोस्तों चुन चुन कर प्रश्न मैं यहाँ पर लाया हूँ। किस प्रक्षेपण यान से दोस्तों लॉन्च किया गया? PSLV C-52 दोस्तों, बिल्कुल छपेगा PSLV C-52 दोस्तों। वहां पर PSLV C-53, PSLV C-54 या फिर दोस्तों कोई इस तरह के ऑप्शन वहां पर होंगे। जबरदस्त प्रश्न है, छप सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपको लिखना है, गणतंत्र दिवस परेड में 2022 में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की थी? सर्वश्रेष्ठ झांकी दोस्तों ये किस राज्य की थी गणतंत्र दिवस परेड में 2022 में? दोस्तों ये थी यूपी की सर्वश्रेष्ठ झांकी, ये आपको याद रखना है गणतंत्र दिवस 2022 में। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपको लिखना है, नेताजी पुरस्कार 2022 से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नेताजी पुरस्कार 2022 दोस्तों, ये दिया गया शिंजो आबे दोस्तों, जो कि जापान के पूर्व पीएम थे जिनकी दोस्तों गोली मारकर हत्या कर दी गई, शिंजो आबे। तो 2022 में दोस्तों नेताजी पुरस्कार इनको दिया गया। 2021 में दोस्तों इनको पद्म विभूषण से दोस्तों सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों वर्तमान में जापान के पीएम कौन है दोस्तों, ये भी प्रश्न बन सकता है। ये दोस्तों है फूमियो किसिदो, फूमियो किसिदो दोस्तों ये वर्तमान में जो है जापान के पीएम है, बिल्कुल दोस्तों प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। अभी दोस्तों आपको छोड़ के नहीं जाना है, जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों लिखना है आपको, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, बिल्कुल दोस्तों छपेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दोस्तों। मेरी लेख पर आपको नहीं जाना है, लेख दोस्तों मेरी ऐसी है बिल्कुल डॉक्टर राइटिंग में लिखता हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दोस्तों ये है। किसे दिया गया? हिंदी के लिए और अंग्रेजी के लिए दोनों आपको बताऊंगा, हिंदी के लिए और साथ ही अंग्रेजी के लिए भी दोस्तों एक प्रश्न कोई भी आ सकता है। हिंदी के लिए दोस्तों ये दिया गया था दया प्रकाश सिन्हा को, बिल्कुल दोस्तों यहां से प्रश्न छपेगा दया प्रकाश सिन्हा के लिए दोस्तों दिया गया था हिंदी के लिए। और इंग्लिश में के लिए दोस्तों दिया गया था किसे? नमिता गोखले, नमिता गोखले। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त है, बिल्कुल छपेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 दोस्तों, बिल्कुल छपेगा याद रखेगा दादा साहब फाल्के दोस्तों पुरस्कार 2022 में दोस्तों किसे दिया गया? ये दोस्तों दिया गया आशा पारेख को, बिल्कुल दोस्तों छपेगा याद रखेगा आशा पारेख को दिया गया 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। किस अभिनेत्री को दिया गया प्रश्न आएगा तो आप बताएंगे आशा पारेख। 2021 में दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया था रजनीकांत को। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपको लिखना है, गणतंत्र दिवस दोस्तों आपको पता है कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 2023 में दोस्तों जो हमारे मुख्य अतिथि होने वाले हैं दोस्तों ये कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति दोस्तों हमारे यहाँ आने वाले हैं, मिस्र के दोस्तों राष्ट्रपति हमारे यहाँ आने वाले हैं, इनका नाम दोस्तों है अब्देल फतेह, अब्देल फतेह दोस्तों इनका नाम है, ये आपको मोहजवानी याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपको लिखना है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के दोस्तों गवर्नर कौन है? सी बी आनंद बोस दोस्तों जो है ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ पर पश्चिम बंगाल के ही राज्यपाल क्यों लिखा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए क्योंकि आपको पता है पश्चिम बंगाल के दोस्तों जो राज्यपाल थे दोस्तों वो बन गए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, तो इसलिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। वैसे दोस्तों आपको क्या करना है, सभी दोस्तों भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां के दोस्तों जो राज्यपाल हैं, जो प्रशासक हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हें दोस्तों आपको जरूर से याद कर लेना है। जो उपराज्यपाल हैं उन्हें भी आपको याद कर लेना है। बाकी दोस्तों उत्तर भारत के लगभग आपको याद होंगे, कुछ दक्षिण भारत के और कुछ जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यहाँ के आपको याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, अभी दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा था कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों इसका नाम है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान इतना याद रखिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो पालमपुर
राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ पर है, ये प्रश्न दोस्तों बन सकता है। यह दोस्तों मध्य प्रदेश में, यहाँ दोस्तों अभी हाल ही में नामीबिया से दोस्तों चीता लाए गए थे, नामीबिया से दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के दिन नामीबिया से दोस्तों चीते लाए गए थे, 8 चीते। अब दोस्तों भारत के वर्तमान में CDS कौन है, दोस्तों ये है हमारे पौड़ी के, दोस्तों ये हैं, इनका नाम दोस्तों अनिल चौहान। आप सभी को पता है इनका नाम, आपको जब से याद रखना है। वर्तमान दोस्तों भारत के CDS कौन है, ये है दोस्तों अनिल चौहान। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे सीधे बनेगा। थल सेना अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान में कौन है, थल सेना अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान में कौन है, यह है दोस्तों मनोज पांडे। ये प्रश्न भी आ सकता है, मनोज पांडे दोस्तों वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल छपेगा, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है, बिल्कुल दोस्तों छपेगा ये प्रश्न, 50वें नंबर के हैं। इनका नाम दोस्तों है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ दोस्तों भारत के वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपको लिखना है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 दोस्तों कहाँ होंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 दोस्तों ये कहाँ होंगे, ये दोस्तों होंगे पेरिस में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोस्तों 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, दोस्तों ये किया जाएगा पेरिस में। अगर दोस्तों प्रश्न आए कि 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, दोस्तों ये किया जाएगा लॉस एंजल्स दोस्तों अमेरिका में किया जाएगा 2028 में, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है, तो इसलिए बने रहिए अंत तक, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नीरज चोपड़ा ने दोस्तों कितने मीटर भाला फेंककर दोस्तों रिकॉर्ड बनाया, तो ये आपको लिखना है 89.94 मीटर। दोस्तों कितने मीटर नीरज चोपड़ा ने दोस्तों भाला फेंककर दोस्तों रिकॉर्ड बनाया। भाला फेंक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। लुसाने डायमंड लीग 2022 दोस्तों ये भी जीती है, लुसाने डायमंड लीग दोस्तों 2022 ये किसने जीती, दोस्तों ये जीती थी नीरज चोपड़ा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आ सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपको लिखना है, GST परिषद की 47वीं बैठक कहाँ हुई थी, बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। GST परिषद की 47वीं बैठक दोस्तों एक नंबर के लिए प्रश्न जरूर से आपको याद रखना है, GST परिषद की 47वीं बैठक दोस्तों कहाँ हुई थी, ये हुई थी चंडीगढ़ में, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। और GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये प्रश्न दोस्तों UKPSC पूछ चुका है अपने एग्जाम में, तो कौन होते दोस्तों GST परिषद के अध्यक्ष, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये होते हैं वित्त मंत्री, बिल्कुल दोस्तों छपेगा प्रश्न, याद रखेगा, UKPSC पहले इस प्रश्न को पूछ चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों आपको याद रखना है, सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया, सरस्वती सम्मान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सरस्वती सम्मान दोस्तों ये दिया गया रामदास मिश्र को, रामदास मिश्र को दोस्तों दिया गया सरस्वती सम्मान, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और ब्यास सम्मान दोस्तों किसे दिया गया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सरस्वती सम्मान या ब्यास सम्मान दोस्तों इनमें से कोई ना कोई टपकेगा जरूर एग्जाम में। ब्यास सम्मान दोस्तों दिया गया असगर वजाहत को, असगर वजाहत को दोस्तों दिया गया महाबली के लिए, महाबली उपन्यास के लिए, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत की दोस्तों रैंक क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत की रैंक दोस्तों क्या है, ये पूछा जा सकता है, ये दोस्तों है 48वीं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपको लिखना है, विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, और इस बार दोस्तों इसकी थीम क्या थी दोस्तों, ये प्रश्न जरूर से एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये थी, इसकी थीम थी इस बार 8 अरब, 8 अरब दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 8 अरब थी और 8 अरब जनसंख्या दोस्तों हमारी हो चुकी है। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपको लिखना है, किस राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 में दोस्तों आई थी, नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की दोस्तों घोषणा किसने की है, दोस्तों ये की है गोवा ने, गोवा वाले बीच पर गोवा ने की है। और प्राइमरी लेवल पर दोस्तों आएगा कि प्राइमरी लेवल पर दोस्तों किसने की है, प्राइमरी स्तर पर दोस्तों किसने की है, दोस्तों ये है अपना प्यारा उत्तराखंड, UK ने दोस्तों की है, हमने की है, उत्तराखंड ने की है प्राइमरी स्तर पर, तो ये आपको याद रखना, कब की थी दोस्तों, ये की थी 12 जुलाई 2022 से दोस्तों ये लागू हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न दोस्तों आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन, दोस्तों प्रश्न आ सकता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के दोस्तों अध्यक्ष कौन है, दोस्तों इनका नाम है अब्दुल्ला रशीद, सीधे सीधे याद कर लीजिए, अब्दुल्ला रशीद दोस्तों वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं, प्रश्न
आ सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपको लिखना है, एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट, एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये है मणिका बत्रा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मणिका बत्रा दोस्तों, इनका नाम आपको जरूर से याद रखना है, प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपको लिखना है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दोस्तों ये दिया गया किसे, एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल को दोस्तों ये दिया गया, तो ये आपको सीधे सीधे याद रखना है। भारत का पहला कागज रहित हाईकोर्ट दोस्तों, पेपरलेस हाईकोर्ट, कागज रहित दोस्तों हाईकोर्ट कौन सा बना है दोस्तों, ये बना है केरल। आ सकता है दोस्तों प्रश्न याद रखिएगा, भारत का पहला कागज रहित हाईकोर्ट पेपरलेस हाईकोर्ट दोस्तों ये बना है केरल, तो याद रखिएगा दोस्तों प्रश्न ये आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपको याद रखना है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक दोस्तों कौन थी, समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक दोस्तों कौन थी, ये थी दोस्तों निखत जरीन। निखत जरीन दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निखत जरीन प्रश्न आ सकता है, निखत जरीन का संबंध किससे है तब आप बताएंगे, बॉक्सिंग से दोस्तों इनका संबंध है। एक दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न अगला आपको लिखना है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मोदी जी वहां गए थे अभी हाल ही में नवंबर में, G20 शिखर सम्मेलन 2022 दोस्तों ये कहां हुआ था, दोस्तों ये हुआ है अभी हाल ही में बाली दोस्तों, बाली कहां, इंडोनेशिया में, बाली इंडोनेशिया में, ये आपको याद रखना है। और 2023 में दोस्तों कहां होगा G20 शिखर सम्मेलन, ये दोस्तों होने वाला है भारत में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपको याद रखना है, 1000 वनडे मैच दोस्तों, आप सभी क्रिकेट के शौकीन होंगे, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली दोस्तों क्रिकेट टीम बन गई है दोस्तों, कौन बन गई है ये दोस्तों, है कौन, अपनी इंडिया टीम, टीम इंडिया, ये आपको याद रखना है दोस्तों, प्रश्न आ सकता है। अभी दोस्तों हाल ही में 8 नवंबर को दोस्तों सिखों के प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों, उनका नाम है गुरु नानक देव, तो सिखों के प्रथम गुरु दोस्तों कौन थे, प्रश्न सीधे सीधे बनता है दोस्तों, गुरु नानक थे। अभी दोस्तों गुरु नानक की दोस्तों कौन सी जयंती मनाएगी, या फिर दोस्तों कौन सा इनका प्रकाश उत्सव दोस्तों मनाया गया, ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में दोस्तों। अभी मनाया गया 553वां। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपको लिखना है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर दोस्तों कौन सा है दोस्तों, यह है कोच्ची। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर दोस्तों ये कौन सा है अपना, ये है कोच्ची। अगर दोस्तों प्रश्न आए कि अंडर मेट्रो वाला कौन सा है दोस्तों, तब आए तब दोस्तों उत्तर आपका बदल जाएगा, अंडर मेट्रो वाला दोस्तों कौन सा है, ये है कोलकाता। अभी दोस्तों हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2022 दोस्तों दिया गया है किसे, फहमीदा अजीम दोस्तों इनका नाम है, फहमीदा अजीम को दोस्तों 2022 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, इनका समय दोस्तों कहां से है, बांग्लादेश से, ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है परीक्षा में। और अगला प्रश्न दोस्तों, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश दोस्तों कौन बन गया है, चीनी उत्पादक दोस्तों सबसे बड़ा चीनी उत्पादक दोस्तों देश कौन बन गया है, ये दोस्तों बन गया है भारत, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत उत्पादक के साथ उपभोक्ता भी बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास दोस्तों, ये मैंने लगभग 2 से 2.5 घंटे दोस्तों मुझे इसे तैयार करने में लगा, बिल्कुल दोस्तों चुन चुन कर भाई दोस्तों, ये आप अगर आपको क्लास पसंद आती है दोस्तों इस तरह से मैं बहुत जल्दी दोस्तों कल परसों में ले आऊंगा, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, निश्चित रूप से आपका इस बार सिलेक्शन होगा, तैयारी कीजिए, अच्छे से पेपर देने जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।